हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। मैं हूं प्रियंका और आज इस वीडियो में मैं शेयर करने जा रही हूं कि किस समय पर रिलेशनशिप रखने से आपका फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन सही समय पर होता है। तो चलिए वीडियो शुरू। यहां पर सबसे पहले हम अपने पीरियड और एक्स से रिलेटेड कुछ बातें कर लेते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जब हम महिला को पीरियड आता है तो उनके अंडाशय में कुछ समय बाद से अंडे बनने शुरू हो जाते हैं। और हम सबको ये पता है कि जब हम दुनिया में आते हैं तो अपने साथ 10 से 20 लाख अंडे लेकर के इस दुनिया में आते हैं। और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, अंडे की क्वालिटी और क्वांटिटी भी घटती जाती है, ना कि बढ़ती है। तो प्रेग्नेंट होने के लिए अंडे की क्वालिटी क्वांटिटी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बाद महिला की दो ओवरीज होती हैं, लेफ्ट ओवरी राइट ओवरी। हर महीने महिला की हर ओवरी में, जैसे अलग अलग ओवरीज में एग बनते हैं, रपचर होते हैं, फूटते हैं। जैसे इस महीने राइट में बना फूटा तो अगले महीने लेफ्ट में बनेगा, फूटेगा। उसके बाद ये जब अंडा पूरी तरीके से परिपक्व हो जाता है तो ये ओवरी से बाहर निकलता है, जिसको हम ओवुलेशन बोलते हैं। तो प्रेग्नेंट होने के लिए ओवुलेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि हम क्या करें कि जिससे कि हम जल्दी से जल्दी कंसीव कर पाए और हमारा जो फर्टिलाइजेशन है, इम्प्लांटेशन है, वो सही तरीके से हो जाए। तो यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि जब अंडा बाहर निकले, परिपक्व होकर के वो ओवरी से बाहर निकले, हमारे एवोल्यूशन से पहले ही जो स्पर्म है, जो मेल का स्पर्म है, वो फॉलोपियन ट्यूब में मौजूद रहे। इससे ये होगा कि जब पहले से ही स्पर्म वहाँ पे है तो जैसे ही अंडा बन करके फूट करके ओवरी से बाहर निकलेगा, फॉलोपियन ट्यूब तक जाएगा, तो वहीं पे स्पर्म और एग का मिलन हो जाएगा जल्दी जल्दी, और जो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया है वहाँ पे वो पूरी हो जाएगी। क्योंकि जो महिला के एग है वो 24 घंटे तक ही जीवित रहते हैं, लेकिन अगर आपकी उम्र ज़्यादा है तो वो भी हो सकता है कम हो, 22 घंटे जीवित रहे, 23 घंटे जीवित रहे, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जो मेल के स्पर्म है वो कम से कम 3 दिन तक तो आपके अंदर जीवित रहेंगे ही रहेंगे। तो अगर पहले से ही स्पर्म उसके अंदर है और इधर से अंडा आ गया परिपक्व होकर के, तो वो जल्दी जल्दी फर्टिलाइज हो जाते हैं और फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया वहाँ पर पूरी हो जाती है। इसलिए पहले से ही आपको कोशिश करना है कि स्पर्म को फॉलोपियन ट्यूब में रखना है। इसके लिए आपको करना ये है कि जैसे ही आपके पीरियड ख़त्म हो, उसके 9 दिन से आपको एक एक दिन छोड़ कर के रिलेशनशिप को रखना है, और सिर्फ अपने ओवुलेशन डेट तक ही रखना है आपको रिलेशनशिप, ना कि आपके पीरियड शुरू होने से पहले रखना है और ना ही ओवुलेशन डेट ख़त्म होने के बाद रखना है। क्योंकि काफ़ी बार अगर आप ओवुलेशन डेट ख़त्म हो जाने के बाद भी आप रिलेशनशिप रखते हो तो आपका जो इम्प्लांटेशन है वो फेल हो जाता है। और अगर आप अपने पीरियड शुरू होने से पहले भी रिलेशनशिप रखती हैं तो वहाँ पे आपके स्पर्म की क्वालिटी क्वांटिटी भी ख़राब हो सकती है। इसलिए ज़्यादा दिन पे आप अगर रिलेशनशिप रखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं आपको कंसीव करने के। इसके लिए आपको अपना ओवुलेशन डेट सही तरीके से पता होना चाहिए। तो इसका सबसे सटीक तरीका ये है कि अगर आपको 1 जनवरी को, अगर आपका जो पीरियड है वो 28 दिन का है, तो आपको 1 जनवरी को जैसे पीरियड आया है तो 28 तारीख को फिर आएगा, तो उस 28 तारीख से पहले के जो 14 दिन होंगे वो आपका ओवुलेशन डेट होगा। उसके अलावा जिनकी साइकिल 30 दिन की, 32 दिन की, 35 दिन की है, तो उनका ओवुलेशन डेट जो है वो 14वें दिन पर नहीं हो करके 16 दिन पे, 17 दिन पे और 18वें दिन पे, इस तरीके से होगा। लेकिन ध्यान देना यहाँ पे ये है कि हर महीने अगर आपको 28 दिन पे, 30 दिन पे, 32 दिन पे साइकिल आती है तब इस तरीके से आपका ओवुलेशन डेट सही निकलेगा। ऐसा नहीं कि इस महीने 30 को आया, अगले महीने 35 को आया, फिर 40 पे आया, तो इस तरीके से आपको ओवुलेशन किट का यूज़ करना चाहिए, वही आपको सही जानकारी दे पाएगा।
तो इस तरीके से अगर आप तैयारी करेंगे कंसीव करने के लिए, तो ज़रूर आपका जो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया है और इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया है वो पूरी होगी समय से। आई होप आज की वीडियो आप सबको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इस वीडियो से कुछ हेल्प ज़रूर मिलेगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे किसी नई वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय।